नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो कि एचपी पटवारी का यहाँ पे दो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सॉल्व करके बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पहले हमें आज दो क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको सारे के सारे जो भी अभी ये क्वेश्चन पेपर 2015 का है मैथमेटिक्स का, तो मैं आपको आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए इसको आपने प्लस करना है और यहाँ पे देखना आपने कितना आया है। यहाँ पे इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट कम्स इन दी फिगर, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है यहाँ से आपने देखना है। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सबसे बड़ी संख्या है कितना है, 444 है। यहाँ पे देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 444, यहाँ पे देखिए 44 है, 444 है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले ये तो हो गया आपका 488, तो यहाँ पे हो गया है। उसके बाद 4 है तो आपका यहाँ पर 12 हो गया। तो देखिए 488 प्लस 12 कितना हो गया आपका 500 हो गया। यहाँ पर देखिए 88 आपका पहले हो गया, 488 और 12 और हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका 588 आता है। इसके बाकी यहाँ पर देखिए जो भी संख्या है आपके करीब नहीं है, तो आपको एंड की जो डेसिमल में दी गई है, जो दशमलव में दिया गया है, यहाँ पे देखिए 44 दिया गया है, 40 दिया गया है, 0.4 दिया, इसको प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ बड़ा बड़ा देखना है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आता है, यहाँ पे देखिए 5008 आता है, क्योंकि आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ही कम आ रहा है। तो आपने ये देखना है कि इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपका ये बनता है। तो ये था आपका, यहाँ पर देखिए इतनी जल्दी आपने आपका ईजी सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए बाकी मैं आपको नीचे वाला बताता हूँ। अब नीचे वाला क्वेश्चन आपने कैसे करना है, यहाँ पे देखिए द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 5/16 और 25/12 और 15/8, ये इसका देखिए यहाँ पे इसका आपने कैसे करना है। देखिए महत्व सामर्थ्य जो कि हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, इसको कैसे निकालना है, यहाँ पर इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप जो ऊपर वाली है इसका आपने एचसीएफ निकालना है, जो लोएस्ट नीचे वाली दी गई है जो बटे के नीचे दी गई है इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो आपको पता ही है कैसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ बनता है, आपने एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आपने डिवाइड करना, जैसे आपको पता ही होगा जो कि आप बहुत सारे क्वेश्चन करते थे 4 किससे डिवाइड होता है, 2 × 2 से होता है, जैसे 2 × 6 से 6 होता है, जैसे कि 8 है तो आपको छोटी सी ऐसे करना है, 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 8 देखे 2 से होगा पहले उसका 4 आएगा, फिर 4 को आपने डिवाइड करना है, तो इसके लिए 2 × 2 × 2 आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पे 5 का करेंगे हम। यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखिए 4 को हम डिवाइड यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ का देखिए 4 का आएगा 2 × 2 ये हो गया 4 हो गया आपका। और जैसे कि 6 का है यहाँ पे 2 से होगा तो 2 × 3 यहाँ पर इसका आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका आया है, तो इसका ऐसे ही डिवाइड करना, तो इसका ये होता है कि यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा आया, यहाँ पर देखिए 2 आया है क्योंकि 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो यहाँ पर 2 आया जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसे दोनों डिवाइड होते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी हम करेंगे, तो इसमें ये है यहाँ पे देखिए 5 डिवाइड किससे नहीं होता, 5 से ही होता है, 25 5 से ही होता है, और 15 3 से भी हो जाता है बट 25 3 से नहीं होगा, तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन यहाँ पे देखिए जो ऊपर का एचसीएफ है तो इसका 5 आएगा। तो आप यहाँ पर 5 लिखिए, तो लोएस्ट का निकालना है आपने एलसीएम। तो एलसीएम आपने कैसे निकालना है, तो एलसीएम आपका होगा इसका 48। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के बताऊंगा। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इसका 48 आएगा, क्योंकि ऑप्शन ये है यहाँ पे 5/48 ये इसकी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए आप बाकी जगह भी दे सकते हैं, 5 यहाँ पे आपका ऊपर का आ गया, तो नीचे का आपको एलसीएम कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत, अगर आपको आता है तो आप सॉल्व भी कर सकते हो, वरना तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आपको एचसीएफ आता है तो यहाँ पे टॉप की 5 है, तो वो यहाँ पे कहीं भी ऊपर टॉप पे 5 नहीं है, 1/48 है, 75 है, देखिए 8 है, 75/16 है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, एलसीएम में निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5/48 है, तो अगर आपको एलसीएम कैसे निकालना है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसका कितना निकलेगा। यहाँ पे जो कि आपकी लोएस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 16 है और यहाँ पर फिर 12 है और फिर 8 है यहाँ पर, इसको आपने कैसे डिवाइड करना है, देखिए 2 से पहले जा रही है, तो यहाँ पर 8 आ गया है और यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 4 आया, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 आ गया है, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2 आ गया,
तो इसके बाद ये टू से फिर से डिवाइड हो रही है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू आ गया और यहाँ पे थ्री का थ्री रह गया और यहाँ पे वन आ गया। तो उसके बाद ये टू से फिर से होगी, तो यहाँ से देखिए वन आ गया, फिर थ्री आ गया, फिर वन आ गया, तो यहाँ पे थ्री रहा एंड में, फिर ये थ्री से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखिए आपका वन थ्री था, तो यहाँ पे वन थ्री वन था, तो इसके बाद यहाँ पे देखिए वन वन एंड में रहता है। तो यहाँ पे देखिए टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री यहाँ पे जो भी है आपका, इसको आप इंटू कर देंगे तो इसका आपका 48 बनता है। यहाँ पे देखिए दो इंटू दो यहाँ पे चार होगा, दो दुनी चार और चार दुनी आठ और उसके आठ दुनी सोलह और सोलह तीन 48, तो इसका 48 आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए तो मैं आपको बता रहा था, तो कैसे करना है यहाँ पे, तो इसका 5/48 है जो टॉप की यहाँ पे ये रहेगी, इसका आपने HCF निकालना है, जो लोएस्ट रहेगी इसका LCM रहना है जो भी आपका डिवाइड होता है। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करना है। आपको इसके अगर रिगार्डिंग चाहिए, डीपली चाहिए, तो मैं आपको डीपली डिटेल में बताऊँगा इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।